हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइज। आज से हम पॉपुलेशन स्टडीज स्टार्ट करेंगे। पॉपुलेशन स्टडीज में देखिए, जो हमारे जो आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, थॉट्स, एंड फिर इसके बाद आता है आपका पॉपुलेशन स्टडीज एंड सेटलमेंट जोग्राफी। तो ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि आपका सब सब्जेक्ट्स है, जिससे टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते ही हैं हर साल। और इसमें इसलिए सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है क्योंकि देखिए, डेटा तो पूछा ही जाता है, डेटा के साथ में कभी कभी कॉन्सेप्ट्स या टर्म्स भी पूछ लिए जाते हैं, और ये टर्म्स कभी कभी मैचिंग में भी पूछा जाता है, कभी डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि क्या होता है। तो इसलिए आपको एक फेमिलियर होना चाहिए कि ये टर्म्स को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन स्टडीज क्या होता है, या फिर डेमोग्राफी क्या होता है, या पॉपुलेशन ही क्या होता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन इज द टोटैलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स लिविंग एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम विद इन अ स्पेसिफिक टेरिटरी डिमार्केटेड बाय नेचुरल, कल्चरल और पॉलिटिकल बाउंड्री। ओके, दैट मींस कि क्या है ये पॉपुलेशन क्या है कि ये आपका सभी ह्यूमन बीइंग्स को हम एज अ होल लेते हैं। कहां पर? एज अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जो हम उसको देखते हैं एक टेरिटरी के अंदर, ठीक है, जो कि नेचुरली, कल्चरली और पॉलिटिकली डिमार्केटेड है, तब उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। और इसी के स्टडीज को हम, जो कि एम्पेरिकल, स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल, जब हम इसका स्टडी करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन को, तब हम उसको डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं? चेंज इन पॉपुलेशन, जो कि इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, इसीलिए हम ग्रोथ और डिक्लाइन दोनों ही पढ़ते हैं। ठीक, पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन डिक्लाइन, ये इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। आप हमको कमेंट करके ये बताइए कि पॉपुलेशन साइज को या पॉपुलेशन ग्रोथ को चेंज करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। इसका हम हिंट दे देते हैं, ये तीन फैक्टर्स हैं मेनली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में क्या क्या आ जाएगा? एज, सेक्स, ये सारी चीजें जितनी भी आपको पॉपुलेशन को कंबाइंडली बनाते हैं उसको हम कॉम्पोजिशन कहते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन अ स्पेस, इसका क्या मतलब होता है कि कितनी पॉपुलेशन कहाँ पे रहते हैं, कितने लोग कहाँ पे रहते हैं, क्या डेंसिटी है, क्या इसका, तो ये सारा कुछ होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, इसको हम कहते हैं। ठीक, तो मतलब कि ये तीन चीजें आपको डिफाइन करती हैं, ये सारी चीजें आपके पॉपुलेशन स्टडीज के अंदर ही आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कोहर्ट्स। कोहर्ट्स क्या होता है? कोहर्ट्स होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल पजेसिंग अ कॉमन टेम्पोरल डेमोग्राफिक एक्सपीरियंस हु आर ऑब्जर्व थ्रू टाइम, दैट इज ऑल दोज बॉर्न ड्यूरिंग अ गिवन टाइम फ्रॉम अ बर्थ कोहर्ट और सिंपली कोहर्ट ऑफ दैट ईयर। देखिए, इसको हम सिंपल टर्म्स में समझाते हैं कि क्या होता है कोहर्ट। जब हम कुछ पॉपुलेशन का स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उनके बर्थ से लेके उनके एंड तक, मतलब उनकी डेथ तक जो उसका स्टडी होता है ना, उसको ही हम कोहोर्ट कहते हैं। ठीक, अब जो एक एक टाइम पे जिनका बर्थ हुआ है, वो कुछ टाइम बाद दूसरे एज ग्रुप में मिलेंगे, फिर कुछ टाइम बाद वो दूसरे एज ग्रुप में मिलेंगे, और अगर हम एक टाइम पीरियड पे देखेंगे तब ये इस टाइम का कोहोर्ट है। जैसे कि एग्जाम्पल है, दोज हु आर एजेड 15 at 25, मतलब 2005, जो 2005 में 15 साल के लोग हैं, वो कोहर्ट कब, उनका बर्थ कोहर्ट कब रहा होगा? 1990 में। ठीक है, तो दैट मींस कि इसका क्या मतलब है कि एक, अगर हम ये देखें कि एक टाइम पे अगर हम पूरा लाइफ, किसी की पूरी लाइफ को अगर हम स्टडी करते हैं तो वो होता है कोहर्ट, और अगर हम एक टाइम पीरियड पे पॉपुलेशन का स्टडी करते हैं तो वो सिर्फ उस ईयर का होता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। ये एक्चुअली एक साल में पूछा भी गया है, इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, और किसी को अगर कोई डाउट हो तो वो हमें कमेंट करके बता देगा, देन आई विल क्लियर इट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका टर्म रेशियोज। रेशियोज क्या होते हैं? देखिए, हम जब पॉपुलेशन स्टडीज पढ़ते हैं तो बहुत सारे रेशियोज, रेट्स पढ़ते हैं, बट जनरली लोगों को ये डिफरेंस नहीं पता होता है कि रेशियो और रेट में क्या डिफरेंस होता है, तो वो हमको क्लियरिफाई होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है रेशियोज? क्या होते हैं रेशियोज? आर द रिलेशन ऑफ टू नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप, मतलब दोनों एक दूसरे में ओवरलैप ना कर रहे हो, दोनों का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, पजेसिंग सम
कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बट अलग अलग ग्रुप के हों, ठीक है. ऑब्टेन वन वन व्हेन वन सब ग्रुप इज डिवाइडेड बाय अनदर. जैसे कि अगर दो नंबर हम लें एक्स और वाई, और उन दोनों को अगर हम कह सकते हैं आप डिवाइड करें, तो दोनों अलग अलग नंबर हैं लेकिन एक सेम ही यूनिवर्स ऑफ पॉपुलेशन से हैं, ठीक है. तो तब वो होगा रेशियो, जैसे कि सेक्स रेशियो. यहाँ पे क्या होता है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं बट एक यूनिवर्स ऑफ पॉपुलेशन का पार्ट है, ठीक है. तो यहाँ पे सेक्स रेशियो क्या होता है, ये आपका इसीलिए बताना है कि सेक्स रेशियो इसको बोलते हैं, रेट नहीं बोलते हैं, ठीक. अभी आपको रेट, अगर रेट जब बताएंगे ना तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है. सेक्स रेशियो इन द पॉपुलेशन हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल्स इनटू 100. ये यूनिवर्सली मतलब कि वर्ल्ड लेवल पे ये एप्लीकेबल है, बट इंडिया में क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर मेल, पर नंबर ऑफ फीमेल्स मेल्स. तो यहाँ पर उल्टा होता है, इंडिया में यहाँ पे फीमेल्स होती हैं और यहाँ पर मेल्स होते हैं, ठीक. इंडिया का क्या सेक्स रेशियो है वो आप हमको अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक. नेक्स्ट रेट, रेट्स क्या होते हैं, रेट्स होते हैं कि जब हम किसी एक पॉपुलेशन में से या फिर एक बड़े ग्रुप में से ही कोई एक फ्रैक्शन निकालते हैं तब उसको हम रेट्स कहते हैं. अ फ्रैक्शन ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर बीइंग द सबसेट ऑफ द डिनोमिनेटर, मतलब कि ये डिनोमिनेटर का सबसेट होता है, डिनोमिनेटर का पार्ट होता है, ठीक है. जैसे कि ये तो वैसे एग्जाम मतलब कि उसमें उस टर्म में दिया हुआ है कि कैसे आप ले सकते हैं, एक्सप्लेनेशन करने के लिए है. हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं. जैसे कि लिटरेसी रेट, जब हम लिटरेसी रेट देखते हैं तब क्या देखते हैं कि कितना परसेंट पॉपुलेशन लिटरेट है, दैट मीन्स कि 100 में से कितने पॉपुलेशन, ये क्या हो गया एक बड़े पार्ट का, बड़े ग्रुप का, ये एक सब ग्रुप हो गया, सबसेट हो गया, ठीक है. तो इसलिए क्या होता है, डिनोमिनेटर का ही ये सबसेट होता है, इसीलिए इसको हम रेट्स कहते हैं. तो यहाँ पे हमने दिया हुआ है ये 2011 में इंडिया की लिटरेसी क्या है, 73%. फीमेल लिटरेसी क्या है, 64.6%. मेल लिटरेसी क्या है, 80.9%. मतलब कि फीमेल पॉपुलेशन में से कितने लिटरेट हैं, मेल पॉपुलेशन में से कितने लिटरेट हैं, और टोटल पॉपुलेशन में से कितने लिटरेट हैं, कितना परसेंट लिटरेट है. तो ये होता है आपका रेट्स, ठीक है. चलिए नेक्स्ट, पॉपुलेशन डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है ना कि एक लैंड एरिया है उसमें कितने लोग रह रहे हैं, उसी को हम कहते हैं डेंसिटी, ठीक है. तो अगर हम ये देखेंगे मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रह रहे हैं, उसी को हम कहते हैं डेंसिटी, ठीक. जैसे कि इंडिया की डेंसिटी क्या है 2011 के अकॉर्डिंग, 382, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर पे एरिया पे कितने लोग रहते हैं एवरेज. ये बहुत ज्यादा मतलब कहीं पे बहुत ज्यादा है और कहीं पे बहुत कम भी है. तो आप हमको हाईएस्ट और लोएस्ट बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया के, इंडिया के किस एरिया के या किस स्टेट की हाईएस्ट है और किस स्टेट की लोएस्ट है. एवरेज हमने दे दिया आपको 382, ठीक. 382 क्या है, ये एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका टर्म पॉपुलेशन पिरामिड. पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है ना कि ये किसी पर्टिकुलर कंट्री को या पर्टिकुलर एरिया के डेमोग्राफिक हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में हम कह सकते हैं कि कई जेनरेशन की हिस्ट्री को ये डेमोग्राफिक चार्ट के थ्रू या फिर पिरामिड के थ्रू रिप्रेजेंट करता है. इसमें क्या होता है कि दो बार हो, अभी हम आपको इसका वो भी दिखा देंगे डायग्राम. पहले एक आपको जनरल कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि टू बार ग्राफ्स होते हैं और बैक टू बैक, मतलब एक आपका इधर और एक इधर, ये आपका पॉपुलेशन पिरामिड बनता है, एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल, यही होता है आपका पॉपुलेशन पिरामिड. अब इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इसका ये होता है आपका, यहाँ पर होते हैं परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन और यहाँ पर होता है आपका एज, मतलब किस एज में कितनी पॉपुलेशन है, कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन किस एज ग्रुप में है, वही आपको बताता है पॉपुलेशन पिरामिड.
इससे क्या पता चलता है हमको कि किस कंट्री का कितना ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, या फिर किस कंट्री में, किस ग्रुप में, किस एज ग्रुप में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उससे क्या आगे बेनिफिट है, क्या इसके नुकसान है, ये हम एज पिरामिड या पॉपुलेशन पिरामिड से पता कर सकते हैं। ठीक है, जनरली ये 5 ईयर्स के इंटरवल के पीरियड पे होता है। ठीक, अब जो वहां पे, जैसे कि ये शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड जो है ना, वो हर कंट्री का डिफरेंट हो सकता है। क्यों डिफरेंट हो सकता है? क्योंकि हो सकता है कि कहीं पे चाइल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है और कहीं पे ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इस वजह से सबका पॉपुलेशन का पॉपुलेशन पिरामिड जो है वो डिफरेंट हो सकता है। अब हम कुछ इसके, इसको हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। देखिए, ये कुछ आपका कुछ कंट्रीज का दिया हुआ है पिरामिड। यहाँ पे ये देखिए, ये है आपका इंडिया का, ये है आपका चाइल्ड पॉपुलेशन, और फिर धीरे धीरे ये है आपका ओल्ड एज पॉपुलेशन। दैट मीन्स कि इंडिया में चाइल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है और ओल्ड एज पॉपुलेशन कम है, और बाकी ये आपका, तो ये सिंपल पिरामिड है जो कि इंडिया का है। ये भी आपका वैसे ही है, यहाँ पे चाइल्ड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे आप देखेंगे तो यहाँ पर पॉपुलेशन कम है। ठीक है, चाइल्ड पॉपुलेशन कम है और यहाँ पर आपका वर्किंग पॉपुलेशन या अडल्ट पॉपुलेशन ज्यादा है। फिर उसके बाद एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज या एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज, यहाँ पर ओल्ड एज पॉपुलेशन भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज्यादा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होने की वजह से ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है? डिपेंडेंसी रेशियो सिंपली टर्म्स में अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है कि जो एज कंपोजिशन को बताता है, जो कि प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव के बीच का हमें कंपैरिजन देता है। इसमें मेनली हम ये बोलते हैं कि जो भी चाइल्ड पॉपुलेशन और ओल्ड एज पॉपुलेशन, दैट मीन्स पॉपुलेशन बिटवीन 0 to 15 years एंड 64 and above, ये आपके डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, और इस इनके बीच में 15 टू 64 इयर्स के बीच वाले क्या हैं, ये प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है। तो क्या हो जाएगा इसका, अगर हम सिंपली फॉर्मूला के थ्रू निकालना चाहें तो पॉपुलेशन बिलो 15 इयर्स प्लस 64 एंड अबव, या फिर ओल्ड एज पॉपुलेशन, डिवाइडेड बाय इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 15 to 64 पॉपुलेशन, या फिर हम कह सकते हैं अडल्ट पॉपुलेशन into 100, तब हमारा डिपेंडेंसी रेशियो निकल के आ जाएगा। या ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला आपका, और इस तरीके से हम इसको डिपेंडेंसी रेशियो निकालते हैं। समझ में आया? इसका मतलब है कि चाइल्ड पॉपुलेशन और ओल्ड एज पॉपुलेशन को आप प्लस कर दीजिए, और जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है उससे आप डिवाइड कर दीजिए। ये माइनस नहीं है, ये 2 है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, चलिए नेक्स्ट, पॉपुलेशन मोमेंटम। पॉपुलेशन मोमेंटम क्या होता है ना, कि अगर ऐसा हो कि पॉपुलेशन जो है वो अगर हमारी रिप्लेसमेंट लेवल तक भी पहुंच जाए, मतलब जो फर्टिलिटी लेवल है ना, फर्टिलिटी का लेवल, अगर रिप्लेसमेंट लेवल भी हमारी पॉपुलेशन अगर अटेन कर ले, बट स्टिल कुछ टाइम तक पॉपुलेशन ग्रोथ होगी ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है ना, वो अभी चाइल्ड बियरिंग एज में, मतलब जैसे हमने पढ़ा ना अभी कि चाइल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है, जब चाइल्ड पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा कि वो धीरे से, जब वो चाइल्ड बियरिंग एज में वो जाएंगे, अगर हमने रिप्लेसमेंट लेवल को अचीव भी कर लिया, तो जो चाइल्ड पॉपुलेशन है या जो जो हमारी लोअर मतलब लोअर एज पॉपुलेशन है, वो चाइल्ड बियरिंग एज में जाएंगे। जब वो चाइल्ड बियरिंग एज में जाएंगे, तो चाइल्ड बियरिंग एज क्या है, आपकी जो अडल्ट पॉपुलेशन है, तो चाइल्ड बियरिंग एज में अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो अपने आप ग्रोथ ज्यादा होगी। ठीक है, इसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन मोमेंटम। ठीक है, मतलब कि अगर हम रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी को अटेन भी कर लेते हैं, बट फिर भी
कुछ टाइम तक पॉपुलेशन ग्रोथ होगी ही होगी, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल जो है वो अभी चाइल्ड बियरिंग एज में ज्यादा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब होता है कि इतने डॉटर्स होने चाहिए जो कि अपनी मदर्स को रिप्लेस कर सके। ठीक है, मतलब वो लेवल ऑफ फर्टिलिटी जिसमें कि वुमेन जो है वो रिप्लेस हो पाए अपनी डॉटर्स से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे एक जनरेशन है, ए वन जनरेशन ऑफ वुमेन शुड बी रिप्लेस बाय द अदर जनरेशन ऑफ वुमेन, उसको हम रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं। ठीक है, इसको हम इक्वल टू एन आर नेट रिप्रोडक्शन रेट कहते हैं, जो कि इक्वल होना चाहिए वन। ये भी कभी कभी पूछा जाता है एन आर आर कितना होना चाहिए फॉर रिप्लेसमेंट लेवल, मतलब एक डॉटर होनी चाहिए अपनी, मतलब एक मदर को रिप्लेस करने के लिए एक डॉटर होनी ही चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल फर्टिलिटी रेट। क्या होता है टोटल फर्टिलिटी रेट? होता है कि जो कोहोर्ट ऑफ पॉपुलेशन है या फीमेल्स हैं उनका मीन या मीडियन एज ऑफ पॉपुलेशन जो है ग्रुप ऑफ वुमेन का, 5 ईयर्स को हम उसमें निकालते हैं एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, तो उसमें कितना फर्टिलिटी आती है उसको हम कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, ये मेनली एवरेज एज ऑफ मदर्स है गिविंग अ बर्थ एज बीन टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, एक पॉपुलेशन में, मतलब कि देखिए इसको डेफिनेशन हम एज इट इज पढ़ देते हैं आपको। मीन और मीडियन एज ऑफ फर्टिलिटी शेड्यूल इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, मतलब कि अगर हम देखते हैं कि कहाँ से फर्टिलिटी स्टार्ट करते हैं, अगर हम 14 से स्टार्ट करते हैं तो 14 to 19, फिर 20 to 24, फिर इस तरीके से 5 ईयर्स के गैप में हम देखते हैं कि किस किस एज ग्रुप में कितनी फर्टिलिटी है वुमेन की। ठीक है, उसको हम कहते हैं TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट है एजिंग ऑफ पॉपुलेशन। एजिंग ऑफ पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है? इट इज अ प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पीपल, जो इंक्रीज हो रहा है ना, एल्डरली पीपल का जो इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में, उसी को हम कहते हैं एजिंग। ठीक है, जबकि प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस डिक्रीज हो रहा है। अगर ये डिक्रीज होगा और एजिंग पॉपुलेशन, मतलब एल्डरली पीपल इंक्रीज होंगे, तभी हम उसको कहते हैं एजिंग ऑफ पॉपुलेशन। अब ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पीछे भी बताया, बिकॉज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है तो हमारे ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा सर्वाइव कर पा रहे हैं, ज्यादा सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो पॉपुलेशन इज एजिंग टूवर्ड्स एल्डरली पीपल। चलिए नेक्स्ट है हमारा जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ कब होगा? जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ तब होगा जब हमारी पॉपुलेशन जो है वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी, मतलब ना ही तो कुछ इंक्रीज हो ना ही तो कुछ डिक्रीज हो। ये कब होगा? जब बर्थ, अब बताइए पहले ग्रोथ के कितने फैक्टर्स होते हैं, हमने पीछे पूछा, बट ठीक है तो हम बता देते हैं क्या होता है। फर्टिलिटी मतलब बर्थ, डेथ एंड नेट माइग्रेशन, मतलब जितने लोग आए और जितने लोग गए, मूवमेंट ऑफ पीपल, ये इन तीनों को मिला के हमारा ग्रोथ निकलता है। तो अगर बर्थ प्लस इमिग्रेशन, ये क्या है, ये प्लस वाले चीजें, जितने बर्थ हुए प्लस इमिग्रेशन, मतलब जितने लोग आए, अगर वो इक्वल हो जाए डेथ प्लस इमिग्रेशन, मतलब जितने डेथ हुई प्लस जितने लोग गए, तो क्या होगा? ना ही तो कुछ इंक्रीज हुआ ना ही तो कुछ डिक्रीज हुआ। तो जब कुछ भी, जब कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, तब उसको हम जीरो रेट ऑफ ग्रोथ बोलेंगे। यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है पॉपुलेशन। तो ये थे हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको पता होने चाहिए, जो कि कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। आई होप आपको कुछ कुछ समझ आया होगा, जो चीजें नहीं समझ में आई हैं या कुछ चीजें छूट गई हैं तो वो आप हमको कमेंट करके बता दीजिए, आई विल कवर इट। ठीक है, नेक्स्ट में हम सोर्सेज ऑफ डेटा एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, जब हम पॉपुलेशन का आपको हम वीडियो देंगे। अभी जो हम संडे को टेस्ट ले रहे हैं वो लाइव लेते हैं, तो लाइव टेस्ट में आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट पता चलता है कि कितना ज्यादा आप कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो बी लाइव एट 5 PM ऑन संडे। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये स्लाइड्स हम टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, ठीक है, तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लें। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.